संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध का मुख्य केंद्र रहे शाहीन बाग में जो कल तक सरकार की आलोचना किया करते थे, वो आज उसी सरकार का हाथ थाम रहे हैं। कुछ दिन पहले तक बीजेपी के विरोध में आवाज बुलंद करने वाले एक्टिविस्ट शहजाद अली अब बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। लंबे समय से मुस्लिमों के अधिकारों के लिए काम करने वाले शहजाद बीजेपी आरएसएस का विरोध भी करते रहे हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है और ये बात सबको समझानी बहुत जरूरी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया। इस दौरान शहजाद ने कहा, मैं उन लोगों को गलत साबित करने के लिए बीजेपी में शामिल हो गया हूं जो लोग सोचते हैं कि बीजेपी हमारी दुश्मन है। हम सीए की उनकी चिंताओं पर उनके साथ बैठेंगे। आज हम लोगों ने सैकड़ों लोगों की तादाद में यहाँ ज्वाइन किया है, तो हमने जो हमारे समाज में कम्युनिटी में एक माहौल हमेशा से बनाया गया है, बीजेपी दुश्मन है, तो हम ज्वाइन करके ही ये साबित डिसीजन ले पाएंगे कि वो हमारी दुश्मन है या हमारी दोस्त है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने प्रोटेस्ट की बात की है, वो मसला जो भी है वो हम बैठ के सुलझाएंगे। हमारे आपस में प्यार मोहब्बत है, हम लोग मिलके ये तो अनेकता में एकता एक हजारों साल की मिसाल है सर, या आज की बात थोड़ी है। और 70 सालों की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कांग्रेस से बात करिए आप जाके। कांग्रेस ने जितना मुसलमानों का नुकसान किया है इतना किसी ने नहीं किया। वहाँ सारी पार्टियाँ राजनीति कर रही थी, मैं आपको बताऊँ, वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी ने भी वहाँ बैठ के सही बात नहीं करी। बड़े बड़े नेता वहाँ पे आए, लोगों को गुमराह किया, अपनी बात रखी, चले गए। एक और दलित समाज के कई लोग वहाँ पे आए जिनका दिल्ली दंगे में वहाँ पे रूप सामने देखने को आया। लोगों को गुमराह करने का काम ज़्यादा किया गया है, कन्वेंस करने का काम कम किया गया है। और यही बात मैंने वहाँ भी रखी थी, अगर कोई गलत बात है या सरकार सही साबित कर रही है ये बिल्कुल सा, तो कोई भी नुमाइंदा कोई भी वहाँ पे आए और कन्वेंस करे, सिंपल, बैठ के ही तो मसले हल होंगे सर। बता दें, शाहीन बाग में धरना खत्म होने के बाद से ही शहजाद का रुख बदला नजर आ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार का पक्ष लेना भी शुरू कर दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सीए के खिलाफ शाहीन बाग के धरने को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब उसी इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कमल का दामन पकड़ लिया है। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई बहन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने नारा ही नहीं दिया, अपितु अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में कभी धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है, और ये विश्वास आज मुस्लिम समाज के अंदर आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सभी मुस्लिम भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही साथ जो हमारी बहनें आई हैं जिन्होंने ये अपने आप को बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करके मुस्लिम बहनों के अंदर एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करने का काम किया है, इसके कारण हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और आज ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग, जो राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रोटियाँ सेकने का काम मुसलमानों के वोट लेकर उनको डराने का काम कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पता नहीं क्या कर देगी, इस तरह की भाषा बोलते थे, आज उन्हें पता लग गया है कि उन्होंने पिछले 70 सालों में मुसलमानों के साथ धोखा किया है, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं जो लागू की हैं वो किसी धर्म के लिए भेदभाव के लिए नहीं है। अगर उज्ज्वला योजना में सीमा को सिलेंडर मिलता है तो सिलेंडर ताहिरा को भी मिलता है।